ओकर बाद एन ओ थ्री माइनस आयन, फिर एच टू एस ओ फोर जो है जब जल में घुलेगा तो दो गो एच प्लस आयन देगा, उसके बाद प्लस एस ओ फोर और ये हो टू माइनस, उसके बाद सी एच थ्री सी डबल ओ एच जब जल में घुलेगा तो यह जो है एच प्लस आयन देगा प्लस सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस। उसी प्रकार से और एगो एच टी सी एच टू सी ओ थ्री लिखाए थे, यह भी जो है एक कंची है अम्ल है एच टू सी ओ थ्री, इसका नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जब जल में घुलेगा तो 2H प्लस देता है, उसके बाद CO3 2 माइनस, और जो है एक जो है H3PO4 भी एक भस्म है, फास्फेरिक अम्ल लिखाए थे ना, H3PO4 क्या लिखाए थे फास्फेरिक H2SO4 तो दो काम है वो एक नंबर को लेना दो को लिख दिए, यहाँ नहीं यहाँ होगा एच एन ओ थ्री नाइट्रिक अम्ल, तब एन ओ थ्री माइनस हुआ है नाइट्रिक अम्ल, तब नहीं यहाँ एन ओ थ्री माइनस हुआ है। उसके बाद एच थ्री पी ओ फोर फास्फेरिक अम्ल, जब इसमें इसको जल में मिलाते हैं ये जो है तीन गो एच प्लस आयन देता है, उसके बाद पी ओ फोर थ्री माइनस। इस प्रकार से जो है एच प्लस आयन में सब जो है अम्ल जल में जब घुलता है तो इस प्रकार से टूटता है, समझा, समझ रहे बात को, एच प्लस आयन देता है इस प्रकार से टूटने के बाद जल में जब मिलाते हैं घोड़ते हैं यहाँ पे एसओ फोर का टू माइनस नहीं बताए थे एसओ फोर टू माइनस कैसे निकलता है। अब जो लिखना है भस्म का आरहेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा लिख लिए, एग्जांपल देख लिए, अब देखेंगे हम किसका भस्म का देखेंगे, समझते जाओ, उसके बाद जहाँ समझ में नहीं आ रहा है बोलो, ठीक है। मतलब उसी को तोड़ के भी दिखाया है, उसको जो है ये जो एच प्लस आयन है ना, ये एच प्लस आयन जो है कह रहा है स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है, स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है, वह जो है जल के साथ रहता है, जैसे हाइड्रो लिखा है ना हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है एच थ्री ओ, एच टू ओ के अणु से जुड़कर जो है एच थ्री ओ प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है, जैसे हाइड्रोजन प्लस जो है H2O के साथ, देखो अम्ल जो है जले में घुल रहा है, जल का सूत्र क्या होता है H2O, तो वो हाइड्रोजन जो है H प्लस अलग नहीं टहलेगा पानी में, वो जले के साथ में H3O प्लस के रूप में टहलता है, ठीक है, जल के साथ वही दिखाया है। देखो जना H प्लस आयन दिया ना और जले में मिलल है, ये जो बन जाता है एच थ्री ओ प्लस, इस तरह से प्लस का लगा जल से एगो प्लस में हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना, इसीलिए, ठीक है, समझा, और दिखाया उसी में कैसे होता है, मतलब कैसे बना है, एच प्लस आयन जो है ये जल के साथ जब जुड़ता है एच थ्री ओ, इसका नाम जो है एच थ्री ओ का हाइड्रोनियम आयन, क्या नाम है हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, दिक्कत है समझने में, अब इसको मिटाएं इधर,
अब जो है आरहेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा देख लिया, एग्जांपल देख लिया। अब जो है आरहेनियस के अनुसार जो है देखोगे भस्म का परिभाषा, ठीक है, किसका देखोगे, भस्म का परिभाषा, बेस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, बेस। तो वह पदार्थ, इसका जो भस्म का परिभाषा होगा, लिख लिया यहां तक, मिटा दे नीचे, देखो इसी में बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या करेंगे। वह पदार्थ जो, मतलब भस्म का परिभाषा दे रहे हैं, ठीक है, किसका परिभाषा, वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देता है, क्या देता है, OH- आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, भस्म कहते हैं। अब इसका एग्जांपल जो तुम्हारा हो जाएगा, देख लो, ये बात को समझ गया ना, कि यदि हम जो है जल में कोई पदार्थ को घोल दिए, ठीक है, और यदि वो जो है OH- आयन दे दिया, तो उसको हम क्या नाम दे दिए, भस्म। ये जो परिभाषा है किसके अनुसार है, कौन दिया, आरहेनियस साहब ने दिए, ठीक है। देखो ये OH को हम जो है ना, OH का नाम जो था, वहाँ जो H+ आयन तुमको बोले थे, इसका तुम लिख सकता है, इसको हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन आयन। यहाँ तुमको OH- दे रहा है ना, इसको तुम लिख सकता है हाइड्रोक्साइड आयन, क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या लिख सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देता है, उसे भस्म कहते हैं। एग्जांपल तुम्हारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है, ये सब क्या है, भस्म का नाम है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ये सभी भस्म का नाम लिखा है, ठीक है। तुम लोग को कभी पूछ देता है, चार गो ऑप्शन दे दिया, पूछता है निम्न में से कौन भस्म है, तो ये अम्ल और भस्म पता रहेगा तब ना जी, उसमें तुम तीन गो देख लेगा कि ये अम्ल है और चौथा जो बच्चा क्या है, भस्म है, या तुमसे पूछेगा कौन अम्ल है, तो तीन गो भस्म एक नाम रहेगा, एगो अम्ल का नाम रहेगा, ठीक है। हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सबके साथ OH है ना, पहचान लेगा ना कौन अम्ल है कौन भस्म है, पानी उन्हें प्यास लगा कि रे। अब देखो कैसे टूटता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम ये जब अम्ल में घुलता है H2O के, H2O में, ये जो है Na+, ठीक है, OH- आयन देता है, क्या देता है, OH- आयन। उसी प्रकार से जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलता है H2O में, यह जो है K+ और OH- आयन देता है। उसी प्रकार से जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलता है तो क्या देता है, NH4+ OH- आयन देता है। उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब जल में घुलता है CA+ देता है 2+ और
OH 2 माइनस आयन देता है, समझ गया। तो किस प्रकार से देखा कि जो है अम्ल जो यदि जल में घुला तो क्या दिया, कौन आयन दिया था? अम्ल जल में घुलकर कौन आयन दिया था जी? हाँ हाँ, अब भस्म जल में घुला तो OH माइनस, ठीक है। देखो OH माइनस क्यों लिखाता है बताए हैं, देखो OH माइनस क्यों लिखाता है बताए ना, देख लो। O का जो होता है परमाणु संयोजकता क्या होता है? संयोजकता, संयोजकता जो उसका होता है दो होता है, ठीक है। मतलब दो को वो किसी से लेगा तो जो अस्थाई हो जाएगा अपने आप, क्या हो जाएगा? किसी से लेगा तो उसका नेगेटिव ना होगा, तो माइनस दो हो गया। हाइड्रोजन का जो है परमाणु संख्या एक, संयोजकता एक एक है, इसके पास सात को, इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये किसी को दान कर देता है प्लस एक, जो दान करता है उसका प्लस होता है और जो लेता है उसका माइनस होता है। अब माइनस दो प्लस एक क्या हो गया? माइनस एक, इसीलिए OH के साथ हमेशा माइनस एक रहता है ना, माइनस एक आयन, ठीक है। अब मिटा दें इसको, किधर मिटाने वाला गया है। मिटा दें तो अम्ल और भस्म का परिभाषा दूसरा भी देख लिया क्या होता है। अब लिख लो क्षार किसको कहते हैं, लिख लो तो क्षार, जिन राख होता है ना, राख जलने के बाद क्या होता है? राख, उसी को क्षार बोलते हैं, क्षार। उदासनीकरण अभिक्रिया परायन जी किसको कहते हैं? आज ही तो पढ़े परा है, जब अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करके, अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासनीकरण अभिक्रिया करते हैं। तो वही तो आज बताए हैं, बताए हैं ना। अब क्षार का परिभाषा लिख लो, याद किया करो, ठीक है। बिना याद कर ले खाली पढ़ने से की होगा, रिविजन उसका होना चाहिए। लिखो लिखो, क्षार किसको कहते हैं? लिख लिया डिफिनेस थी हेडिंग, लिखो। जल में घुलनशील भस्म को, जल में घुलनशील भस्म को, जल में घुलनशील, या इसमें विलेय भी लिख सकता है, विलेय, भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। उदासनीकरण लिखा है दिए हैं, उदासनीकरण अभिक्रिया जो होता है ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, सीधा उदासीन होता है, ठीक है। अब जो है देखो, अम्ल तथा भस्म का परिभाषा जो है उसके गुणे के आधार पर हम शुरू में लिखा दिए, लिखा है ना। अब जो है अम्ल तथा भस्म का जो है गुण देख लो, ठीक है। अब जो है अम्ल का गुण, अम्ल का गुण लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल का गुण। अम्ल का गुण में पहला लिखो स्वाद में खट्टा, तो यो लिखो ना, यहाँ लिखा रहे हैं पर्सनल ने।
उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख लो, विषैला होता है, कैसा होता है, और तीव्र नाशक, जिसको संक्षारक बोलते हैं इसको हम लोग। तुम लोग देखा होगा एसिड धरती पर गिर जाता है तो खोलने लगता है, बहुत संक्षारक, तीव्र नाशक का मतलब है संक्षारक, संक्षारक। कार्बोक्जिलिक अम्ल जो है जिसका नाम फिनॉल होता है, ठीक है, कार्बोक्जिलिक अम्ल बहुत विषैला होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बैटरी सब जो बैटरी होता है ना गाड़ी में, उसमें प्रयोग करते हैं किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का, एसिड। खाद और विस्फोटक पदार्थ भी जो है बनता है एसिड से, ठीक है। वो भी लिखा देंगे, पहले जो है ना इसका गुण लिखा देते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लो, अम्लता भस्म द्वारा अम्ल द्वारा रंग में परिवर्तन, जैसे बहुत सारा अम्ल जो है रंग में परिवर्तन नहीं हो जाता है अम्ल में, जैसे नीले लिटमस पत्र क्या करता है, लाल करता है जी अम्ल, तो वो तो वह रंग में परिवर्तन होना हुआ ना। उसके बाद अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल का धातु के साथ क्या होगा, अभिक्रिया। अम्ल का जो है धातु के साथ अभिक्रिया। और अगला पॉइंट लिख लो, पांचवा पॉइंट, अम्ल का कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल का जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ के अभिक्रिया, ये सब जो उसका गुण होगा क्या प्रदर्शित करता है। अम्ल का भस्म के साथ अभिक्रिया, उसके बाद धातु की ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया, धातु का अम्ल का धातु की ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्या धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया? हाँ, धातु का ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया, वो ठीक है, धातु का अम्ल के साथ धातु की ऑक्साइड के साथ अम्ल का अभिक्रिया होगा, या अम्ल का धातु की ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया,
धातु की ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया, या अम्ल का धातु की ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जो बात लिखना उल्टा पुल्टा सब हो जाएगा, बस इसको सेट करना, धातु की ऑक्साइड चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख लो, अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया, इतना पढ़ा है। एक और यहाँ सातवां पॉइंट बना लो, अम्ल का आठवां होगा, देखो क्या, 1 2 3 4 5 6 हाँ आठवां, अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल का भस्म के साथ अभिक्रिया, लिख लिया ना। ये सब पॉइंट जो है अम्ल के गुण में जो है, सारा गुण अम्ल का आ जाएगा, जितना गुण होता है ना अम्ल का सब आ जाएगा। लेकिन तुम लोग एग्जाम में उतना गुण कोई लिखता है, 2-3 गुण दिया, 2 नंबर का प्रश्न पूछा, 2 नंबर 2-3 गुण दे देता है, हो गया। आप जना मान लो 5 नंबर में आ गया अम्ल का गुण प्रदर्शित करने, सब लिखे तो लिखेगा, सब पॉइंट लिख देगा, उसका एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया, एग्जाम्पल जैसे स्वाद में खट्टा खाने वाला चीज कौन कौन है, नींबू होता है, तब उसके बाद संतरा हुआ, कच्चा अंगूर हुआ, ये सब होता है, यही सब हुआ, अचार हुआ, लिख लिया, मिटा दें। विषैला तथा तीव्र नाशक जैसे हो गया, कार्बोक्जिलिक अम्ल हो गया, फिनॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब बहुत विषैला होता है, जैसे एसिड एल्कोहल भी पीता है ना, एल्कोहल भी जो है एक तरह से उसको भी एसिड के साथ बनाया जाता है, पूरे एसिड नहीं रहता है उसमें, और कुछ से कुछ मिक्स रहता है, तो एसिड एल्कोहल लगता है ना विषैला तरह, पीने के बाद अच्छा लगता है एल्कोहल, नहीं ना पिया है, जब पिया है उसको पता है, तो वो हाँ दारू तो पूरा एकदम देखता है ना, वहाँ कौन मुन लेता है, जब मुँह ढारता है तो आँख कान मुन्ने का मतलब नीमो ज़्यादा बदतर लगता है, लेकिन तैयो जो है प्रवेश करता है उसका उद्घाटन शरीर के अंदर, लिख लिया। अब जो है कुछ स्टार पॉइंट लिखाते हैं, ठीक है, हाँ वही सब, क्षार किसको कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को, जो जल में घुल जाएगा भस्म उसको क्षार कहेंगे, ठीक है। चलो नमक कौन सी है, लवण ना जी, भस्म नहीं है ना, तब अथी लिख लो, किस पदार्थ में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, पदार्थ का नाम, पदार्थ का नाम पाए जाने वाला उसमें उपस्थित अम्ल, उसमें उपस्थित अम्ल, ठीक है, उसमें उपस्थित कौन, हाँ वही सारणी, जैसे संतरा और नींबू का रस है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा व नींबू, इसमें जो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है, संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल, जैसे सेब हो गया, सेब में
सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल क्या होता है सेब में? मैलिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। उसी प्रकार से सिरका में एसिटिक अम्ल। इस सारणी याद करेगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बहुत फंसेगा, एगो दूगो फंसी जाएगा। दही में लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद अमावस्या में हम लोग को निकलता है ना, उत्पन्न होता है ना रस जी, मानव के अमावस्या में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें इंक बराबर हो इसमें। चाय में टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल ठीक है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल यहाँ तक लिख लिया। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। भरोन इसमें इंक जी हालत। लिख लिया।
दे दिया। चलो इसमें दो, इसमें भी मिटा दें इसको। अब जो है हम कुछ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जैसे मोटर सब, मतलब जो भी बैटरी हो जिसमें एसिड भरा जाता है, गाड़ी सब का बैटरी, उसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4। है? हाँ, H2SO4। तो तुम्हारा पहला प्रश्न होगा, मोटर गाड़ी के बैटरी में कौन सा अम्ल भरा जाता है? मोटर गाड़ी के बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। दूसरा है खाद एवं विस्फोटक बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? खाद एवं विस्फोटक बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल, HNO3, ठीक है। तीसरा लिखो, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? कौन सा अम्ल का स्राव होता है? हाँ, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो, पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जो है यदि सामान्य से अधिक हो जाता है ना, तो अम्लीयता बढ़ जाता है या गैस का प्रॉब्लम होता है ना। HCl अम्ल का ज़्यादा सारा हो जाता है, ठीक ना। तो HCl की मात्रा अधिक हो जाने से जो है पेट में अम्लीयता या गैस की शिकायत होती है। तो अगला पॉइंट लिखो, लिखो पेट में HCl का अधिक स्राव हो जाने पर पेट में जो है HCl का अधिक स्राव हो जाने पर अम्लीयता को नष्ट करने के लिए
अम्लीयता को नष्ट करने के लिए किसका उपचार किया जाता है? किसका उपचार किया जाता है? एग्जाम्पल तुम्हारा हो जाएगा एंटासिड, क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो गया एंटासिड, ठीक है। एंटासिड जो है क्षारीय होता है, क्या होता है? क्षारीय होता है। जब क्षारीय अम्ल के साथ जुड़ी मिलेगा तो क्या होगा? उसका अम्लीयता नष्ट करेगा ना जी। एंटासिड क्षारीय होता है, कुछ मतलब एसिड के विपरीत हुआ एंटासिड, ठीक है। कुछ एंटासिड का नाम लिख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 इसका सूत्र होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टू, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टू। घर में अगर नींबू सिरका तथा खाने का सोडा हो तो पेट की अम्लीयता को नष्ट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तुरंत हम लोग मेडिसिन नहीं लेने जाते हैं। कहता है नींबू का दो बना के देता है ना, तो हम लोग के शरीर में जो ढकार होता है खट्टा जैसा होता है ना, ढकार कैसा होता है? जब खाना नहीं पचता या अम्ल का अधिक मात्रा शरीर में बन गया तो क्या होता है? खट्टा ढकार होता है। उसको नष्ट करने के लिए, जो है अम्लीयता को नष्ट करने के लिए, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नींबू पानी पीते हैं या और